हेलो, आई एम राकेश एंड यू आर वॉचिंग द चैनल चलो सीखते हैं इंग्लिश। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज पार्ट टू। सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम रूल नंबर 8। रूल 8, व्हेन फ्रेज कम्स between subject and verb agrees with the subject, not the noun or pronoun in the फ्रिज। इफ फ्रेज कम्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, स्टिल वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, नॉट द नाउन और प्रोनाउन इन द फ्रेज। यदि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई फ्रेज आ जाता है तब भी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही रहता है, ना कि फ्रेज के नाउन और प्रोनाउन के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन, द मैनेजर यह आपका सब्जेक्ट है, एज वेल एज द ये फ्रेज है, एज वेल एज द स्टाफ्स ये फ्रेज का नाउन है। द मैनेजर एज वेल एज द स्टाफ्स एक्साइटेड एट द डिस्प्ले ऑफ रोबोट। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका फ्रेज है। फ्रेज मीन्स नो सब्जेक्ट, नो वर्ब, ये आपका नाउन है। तो यहाँ जो आपका वर्ब रहेगा वो इस सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, ना कि ये नाउन के अनुसार। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर यह सिंगुलर वर्ब लेगा। इस तरह से यहाँ पर वर्ब होगा वॉच। रूल 9, इनडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउंस आर सिंगुलर और वर्ब, वर्ब भी सिंगुलर रहता है। और एग्जाम्पल, ईच, ईच वन, आइदर, नाइदर, एनीवन, एनीवन, समवन, एवरीवन, नो वन या फिर एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी। ये इनडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन, एवरीवन लाइक्स, यहाँ भार में आपका सिंगुलर, एवरीवन लाइक्स चॉकलेट्स या फिर एग्जांपल टू, देयर
Nobody. यहाँ पर होगा देयर इज, सिंगुलर होगा, देयर इज nobody इन द हाउस. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे बोथ, मैनी, बोथ मैनी सेवरल, अदर्स. ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये प्लूरल होते हैं. और टेक प्लूरल भर, ये आपका एक्सेप्शन है. रूल 10, यदि सब्जेक्ट कोई नॉन काउंट नाउन है तो वर्ब सिंगुलर रहता है. सब्जेक्ट नॉन काउंट नाउन, नॉन काउंट नाउन, तो वर्ब होगा आपका सिंगुलर. फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी नॉन काउंट है, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. या फिर शुगर इंक्रीजेज, ये सिंगुलर है. शुगर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डायबिटीज, द रिस्क ऑफ डायबिटीज. रूल 11, कलेक्टिव नाउन जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, और कलेक्टिव नाउन कई व्यक्ति या वस्तुओं को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यह सिंगुलर वर्ब लेता है. कलेक्टिव नाउन, सब्जेक्ट यदि कोई कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, तो वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर रहता है. एग्जांपल 1, ए फुटबॉल टीम हैज बीन फॉर्म. आवर कमिटी, अब वो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, योर सजेशंस इनटू कंसिडरेशन. तो यहाँ पर और कमिटी, अगर ऑप्शन रहेगा इज या आर, तो यहाँ और कमिटी या कलेक्टिव नाउन है, इसलिए यहाँ पर वर्ब आपका सिंगुलर रहता है. तो यहाँ पर वर्ब आपका होगा सिंगुलर. इस तरह से कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब. रूल 12, सब्जेक्ट यदि कोई जेरंड या इन्फिनिटिव रहता है तो वर्ब सिंगुलर रहता है. रूल 12, रूल 12, सब्जेक्ट जेरंड या फिर इन्फिनिटिव, तो वर्ब सिंगुलर रहता है. अगर सब्जेक्ट यदि कोई जेरंड है या इन्फिनिटिव है तो वर्ब सिंगुलर रहता है. एग्जांपल, एग्जांपल 1, वॉकिंग इज अ
गुड एक्सरसाइज, ये सब्जेक्ट और ये है आपका जेरन, और यहाँ ये वर्ब है और ये है सिंगुलर। एग्जाम्पल टू, टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर ही ह्यूमन, ये आपका है सब्जेक्ट और ये है आपका इन्फिनिटिव, और ये वर्ब ये होगा सिंगुलर। रूल 13, हियर देयर वेयर, अगर सेंटेंस हियर देयर और वेयर से प्रारंभ होता है तो ये सब्जेक्ट नहीं होते बल्कि दे इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीज विद दी सब्जेक्ट। यहाँ जो वर्ब है ये एग्रीज विद दी सब्जेक्ट। इस तरह का सेंटेंस में सेंटेंस ऑर्डर इन्वर्टेड रहता है, इन्वर्टेड का मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद में रहता है। एग्जाम्पल वन, देयर आर मेनी फैक्टर्स, अफेक्टिंग the monsoon winds, यहाँ सब्जेक्ट है आपका मैनिफैक्टर और वर्ब इसके अकॉर्डिंगली प्लूरल रहता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल टू, हियर द बास्केट, ऑफ वेजिटेबल्स, इस तरह से सब्जेक्ट आपका यहाँ है सिंगुलर और यह आपका वर्ब होगा सिंगुलर। रूल 14, फ्रेज जो कि ऑफ से प्रारंभ होते हैं उसके ठीक पहले का वर्ड सब्जेक्ट होता है और उसके ठीक बाद में जो वर्ड रहता है उसके ठीक बाद का जो वर्ब है वह सब्जेक्ट के अनुसार रहता है, तो फ्रेज स्टार्टिंग विथ ऑफ, जो ऑफ प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं तो उसमें आपका पहले का वर्ड सब्जेक्ट होता है और इसमें वर्ब जो है एग्रीज विद द सब्जेक्ट, एग्रीज विद सब्जेक्ट, वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार से एग्री होता है। जैसे एग्जाम्पल वन, ए बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है और ये आपका ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑफ वेजिटेबल्स, ए बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स इज, ये वर्ब है इन द किचन।
example to the petals, ये आपका सब्जेक्ट है, द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल। इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यह प्लूरल वर्ब लेगा लुक। द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर लुक ब्यूटीफुल।